ट्रैक्टर से मतलब जो परफॉर्मेंस है उससे कितने संतुष्ट हो इसकी? भैया तो डेली चलता रहता, अगर एवरेज बढ़िया देता आने जाने में तो कोई बहुत कम खर्चे इसका। राम राम भाइयों, तो आज की वीडियो जो है भाइयों वो 3630 सुपर के ऊपर है और ये रूटावेटर पे चल रहा था, इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। और ये ट्रैक्टर 49 HP में आता है और न्यू हॉलैंड का भाइयों टॉप सेलिंग ट्रैक्टर है। ये लोग बाग जो हैं न्यू हॉलैंड के नाम से कम जानते हैं, इसे 3630 के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और भाइयों ये देख के भले से आपको थोड़ा पुराना सा लग रहा हो, बट ये 6-5 साल या 5.5 साल पुराना ट्रैक्टर है। और मैं इनसे भैया से पूछूंगा कौन सा मॉडल है। तो एक बार जी भाई साहब अपना परिचय करवाओ, इधर को आ जाओ एक बार जी, अपना परिचय करवाओ। कपिल पवार, ग्राम पोस्टकार, जिला मुरादाबाद। अच्छा अच्छा भैया, एक बात बताओ, जैसे ये ट्रैक्टर लिया आपने जी, तो इसे कितने साल आपके पास ट्रैक्टर को हो गए? इसको 2 अप्रैल को 5 साल हो गए। 2 अप्रैल को 5 साल हो गए। 17 मॉडल है 2 अप्रैल। अच्छा 2017 मॉडल है। एक बात बताओ, जैसे 5 साल हो गए ट्रैक्टर से मतलब जो परफॉर्मेंस है उससे कितने संतुष्ट हो इसकी? भैया ये तो डेली चलता रहता, अगर एवरेज बढ़िया देता आने जाने में तो कोई बहुत कम खर्चे इसका। और अभी आप देख लो गिल्ला खेत है, नई खुरपी है। अच्छा चलो, इसे किस किस यंत्र पर चलाते हो, मतलब मेन किस चीज के लिए, किस पर्पस से? और भाई मशीन रूटर वेटर। अच्छा रूटर वेटर, जैसे 7 फीटा यूज कर रहे हो आप, इस पर कैसी परफॉर्मेंस रहती, और आज तक कितने जोड़ी खुरपी बदल दी होंगी इसकी? इससे 13 जोड़ी खुरपी बदल दी। 13 जोड़ी इस रूटर वेटर पे? नहीं, दूसरा रूटर है। अच्छा, इससे पहले भी एक बेकार कर दिया मतलब। तो जब से ये ट्रैक्टर लिया है तब से आपने इस रूटावेटर की 13 जोड़ी खुरपी बदल दी? पहले वाले की, पहला पुराना था मेरे पास, अब ये नया लिया, इसकी 5वीं जोड़ी है। अच्छा इसकी 5वीं जोड़ी है, उसकी बदल दी पहले। अच्छा अच्छा तो एक बात बताओ, जैसे इस पर रूटावेटर पे चलाओ तो ट्रैक्टर तो और भी चले हैं गाँव में रूटावेटर पे, फिर आपके पास ही क्यों इतने मतलब लोग रहे हैं कि यार ये बढ़िया जुताई करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है? ट्रैक्टर की वजह है या आप बढ़िया चलाओ हो, क्या रीज़न है? हम जब इसको चलाते हैं तो हम हाइड्रोलिक भार नहीं रखते। थोड़ा तेज बोलियो भाई। जैसे मोड़ आता है लोग हाइड्रोलिक उठा लेते हैं, हम हाइड्रोलिक नहीं उठाते, हम रेस बढ़ाते हैं ट्रैक्टर की। अच्छा अच्छा, मतलब उससे ग्राहकी बहुत जबरदस्त वाली है। अब ये भाई साहब भी जुतवा रहे थे, ये भी बड़ी तारीफ कर रहे थे ना हमारे गांव में पूरे में, ये तारीफ है इनकी। अच्छी, अब बढ़िया जुताई। चारों भैया हम सब इनसे जुतवाते हैं, और गांव के हमारे भी जो है इनसे जुतवाएंगे, क्योंकि इनकी जुताई बहुत। हाँ भाइयों, मैं बता दूं, ये पड़ोस गांव के हैं, इनके इधर खेत आ रहे हैं, ये अपने गांव के किसी भी रूटर वेटर वाले को नहीं बुला के लाते हैं, भैया से ही करवा में। एक बात और बताओ कपिल भाई, जैसे ये ट्रैक्टर है तो जब ये लिया था 17 में, इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चला रहे थे? 744 तो फिर 744 बेचा और न्यू हॉलैंड की तरफ आए, ऐसा क्या रीजन रहा? 744 में क्या कमी लगी? वो कमी तो कुछ नहीं थी, थोड़ा सा ट्रैक्टर आगे तो हल्का था, जैसे हम लोग चढ़ाते थे चढ़ाई पे तो थोड़ा सा उड़ जाता था, और ये ट्रैक्टर ऐसा है कि तुम कितनी चढ़ाई पे चढ़ा लो कूद के चढ़ जाता। फिर ये पावर स्टीयरिंग है, उस टाइम पावर स्टीयरिंग आ नहीं रहा था, इसे चलाने में बड़ा मजा आता। हाँ मतलब आरामदायक है, और फिर पावर स्टीयरिंग को चला के मैनुअल तो ऐसा लगे कंधे नीचे निकल के गिर जाएंगे। तो बाकी और कोई चीज़ उसकी कमी नहीं लगी 744 की? अच्छा जैसे रूटावेटर पर 744 को भी चलावे थे तुम, अरे इसे भी चलाओ, तो दोनों में क्या अंतर लगे? तेल का अंतर। कौन से का तेल ज्यादा है? इसका कम है, उसका ज्यादा। अच्छा इसका ज्यादा है, इसका कम है और उसका ज्यादा था 744 का। अच्छा कुछ लोग ये कह देंगे 744 जैसा काम करे है वैसे ही तेल ले है। बढ़िया है वो घाई का, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर घाई पे, जैसा ट्रैक्टर गिल्ला लोड चलता है घाई पे, वो ट्रैक्टर दब जाता, वो दबता नहीं है, वो खुद ही खुल जाता, अपना आप ही बेस तेज हो जाती है उसकी, ये RPM ड्रॉप कर देता था। किसान भाइयों, में किसी दिन इसकी भैया जिस दिन उस पर चलाते हुए मिलेंगे मशीन पे घाई की, उस दिन भी इसकी वीडियो दिखाऊंगा, और उस दिन दिखाऊंगा कितना लोड लेता, कितना RPM ड्रॉप करता। तो एक बात बताओ, चलो अब तो ये हो गया आपके पास, पहले 744 चला रहे थे, तो किसी ने रिश्तेदार ने या मन था इसे लेने का, या यूट्यूब पे वीडियो देखी, क्या रीजन है न्यू हॉलैंड की तरफ? वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं, लेने पहुंच गए, मन था, रिश्तेदार बोले 3630 लो एवरेज बढ़िया, और वही बात निकली, मतलब बाकी में एवरेज कम लगा ट्रैक्टर का। अब 8 बार मैंने, 8 साल हो गए घाई करते इससे, 744 से, और इससे। अच्छा मतलब 3 सीजन उससे पीटे और 5 इससे हो गए।
तो अब ट्रैक्टर मतलब छह हो गया, अपना सातवां साल है, पांचों साल घाई भी लगाया था ना 17 में। अच्छा अच्छा 17 पे, हाँ तो 6 साल। एक बात बताओ, अभी तक ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कैसा है? जैसे ट्रैक्टर मैनू कह दें कि अगर इसे थोड़ा वैसे चलाओ, ट्रैक्टर काफी पुराना सा लग रहा है तुम्हारा देखने में। हम धोते नहीं भाई, जब डेली गर्म रहता तो ढोने का आदेश को। हाँ सुबह ही निकल जाते हैं और शाम की, अब सालों गर्म धोने तो रंग उड़ जाएगा, इससे हम ऐसे रहने। अच्छा अच्छा मतलब यही रीजन है जिस वजह से। वैसे किसान भाइयों ट्रैक्टर बिल्कुल नया है, ये खाली मिट्टी मिट्टी चढ़ी हुई है, इस वजह से आपको देख के लगेगा कि यार ट्रैक्टर परसों मैली गई है, पानी भरा हुआ था खेत में मेरे में ही, पानी में ऐसी गिरवा दिया, टिप्पल ले जाएंगे अब इसे धोमेंगे चलाएंगे। हाँ ये बात भी सही कह रहे हो, देखो समय नहीं रहता आदमी पे। अच्छा एक रात में 9 बजे मैली गिरवाई मैंने। अच्छा एक बात बताओ कपिल भाई, अब तो इसे हो गए कितने साल और रखने का विचार है? अच्छा आपका दूसरा कौन सा विचार है? दूसरा विचार ना भाई, फिर भी इससे बड़ा लेना है या 36-30 ही? तो बड़ा ही ले लेंगे थोड़ा बहुत, मतलब इससे बड़ा ही लेना। वैसे HP में कैसा लगता, मतलब ताकत में ऐसा तो ना लगता कि यार इससे? जब हमने छोटा चला लिया था, छोटे से तो ही पहुंचेंगे, ऊपर ही पहुंचना चाहिए। मतलब ये छोटा नहीं, अब ऐसा तो ना लगता कि यार वो ट्रैक्टर आज वही 24 है, ज्यादा हमको 10,000 रुपये महीना मिलते हैं लगा लो नौकरी पे, तो हमें सोचेंगे साले 12 मिले, 15 मिले, 20 मिले, तो ऐसे हम सोचेंगे यार इतना चला लिया था बड़े अच्छे मिले। मतलब न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर ना लेना, आपका और ही लेना, कोई पता नहीं। अच्छा ये भी ले सकते हो, लेंगे बड़े का लेंगे ना, ट्रैक्टर कोई सा भी लेना पर लेना बड़ा इससे। देखो किसान भाई, और मैं अभी इसकी रूटावेटर पर परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा चलते हुए कि किस तरीके से परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर की। ठीक है भाई साहब चलाओ। दूसरे में है भाई, चल देखो।